Hey everyone, welcome to my channel. So, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फूड चैलेंज. इससे पहले ऑलरेडी मैंने करी थी जो कि रिवर्स में थी, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इस वीडियो के बाद मेक श्योर उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा. सो आज मैं करने वाली हूँ अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स, और ये लॉकडाउन एडिशन है. सो ये जो चैलेंज है, इसमें तीन चैलेंज है मेरे लिए, एक नहीं है कि तीन है, बिकॉज पहले तो ये चैलेंज हुआ, सेकंड लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में चीज़ें ढूंढनी चैलेंज से बढ़ के है. थर्ड जो है वो ये कि मैं विलेज में हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें ढूंढनी बहुत 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 डिफ़िकल्ट काम है. सो आई डोंट नो कि कैसा होगा चैलेंज. कल ये मेरा चैलेंज स्टार्ट होगा, आज मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या अचानक से मेरे दिमाग में क्या आएगा और क्या खाऊंगी. सो मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो लूँगी पहले से ही. सो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और भी कोई आइडियाज़ हो आपके दिमाग में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई हैव नो एनी आइडियाज़ फॉर माई यूट्यूब चैनल, दैट्स वाई वीडियोज़ इतनी डिले आ रही है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey everyone, good morning. So अभी finally मैं इस challenge को start कर रही हूँ, और अभी 10:54 हो रहे हैं. like मैं आपको time दिखा देती हूँ, and कल तक ये challenge चलेगा. So 10:54 हो रहा है अभी AM, I guess आपको दिख रहा होगा. So अभी start करते हैं letter A से. मेरे पास है ये अमूल कूल, and I'm very happy कि इस challenge की start बहुत ही अच्छे से हो रही है, और पता नहीं आगे क्या क्या मिलेगा खाने को. So I'm very वर्ड कि आगे क्या होगा, बट अभी तो अच्छा मिल गया, तो पहले इसको फिनिश करते हैं. सो अब बारी है लेटर बी की. सो बी से मैं खाने वाली हूँ ब्रेड. इससे बहुत कुछ मिल रहा था मुझे, तो मैंने चूज किया ये केक, बिकॉज केक थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में. सो या सो डी से मेरे पास है डेरी मिल्क, बिकॉज डेरी मिल्क मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट्स वाई इसको मैंने इंक्लूड किया इस चैलेंज में. चैलेंज के नाम पे मजे है मजे. एंड ई से मैंने बहुत ही भयंकर सोच रखा है, सो दैट्स वाई मैं पहले नहाऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने खाई है. सो नहीं तो वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जानी है, तो दैट्स वाई मैं पहले नहा के आती हूँ, फिर इस चैलेंज को कंटिन्यू करेंगे. सो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, एंड मैंने ये क्यूट सा हेयर स्टाइल रेडी किया है, एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा. और ई लेटर की बारी है. सो ई से मैं ये लेने वाली हूँ इनो. ये ऑरेंज फ्लेवर है, एंड मैंने सुना है कि ऐसे इसको नहीं लेते हैं, एसिडिटी के टाइम पर लिया जाता है, बट चैलेंज को कम्प्लीट करना है तो मुझे इसको पीना पड़ेगा. बारी है एफ लेटर की. सो एफ लेटर से मेरे पास है ये. तो आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो ये है फ्लैक्स सीड पाउडर, एंड इसका देखिए वीडियो से मुझे ये आइडिया मिला है कि मैं एफ लेटर से फ्लैक्स सीड ले सकती हूँ. तो मेरे पास ये फ्लैक्स सीड पाउडर है, जो कि मम्मी दाल में डाल के देती है कभी कभी, तो ये अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा है, तो मैं ये खाने वाली हूँ. सो ऑल राइट गाइज, एंड अब बारी है जी लेटर की, एंड जी से मैं खाने वाली हूँ गार्लिक, बिकॉज मुझे और कुछ नहीं मिला, ग्रैप्स मार्केट में था नहीं, अभी नहीं मिल रही है यहाँ पे, सो दैट्स वाई गार्लिक से ही काम चलाना पड़ेगा. सो मैं इसमें से एक दाना खाने वाली हूँ. उसका टेस्ट बिल्कुल ही गंदा सा है, एंड ये मेरी जीभ में अचानक से लगने लगा है, शायद मैंने इनो पिया था इसकी वजह से, पता नहीं क्यों, दैट्स वाई मैंने इसको बाहर निकाल दिया. सो अब मैं इसको फेंक के आती हूँ पहले. सो एच लेटर से मेरे पास है हॉर्लिक्स. सो आई लेटर से है मेरे पास ये वाली आइसक्रीम, जो कि बहुत ही यूनिक है, आइस है बस, ऐसी कुछ नहीं है. सो ये सिर्फ आइस वाली आइसक्रीम है, एंड इसको मैं खाने वाली हूँ, बिकॉज आई लिटर कंप्लीट करना है. बहुत मजा आता है ऐसी बच्चे वाली हरकत करने में.
सो हम आ चुके हैं अब जे लेटर पे. सो जे लेटर से है ये ज्वेल्स चॉकलेट एंड सो ये मैं खाने वाली हूँ अभी. एंड काफ़ी क्लासी पैकेजिंग है एंड घर पर रहने का ये एक जरूर फ़ायदा है मुझे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही है जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया है. आप लोगों ने टेस्ट किया है तो ज़रूर बताइएगा. अब मैं पहुंच चुकी हूँ के लेटर पे. सो के लेटर से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, किटकैट, किसमी, कुरकुरे, बट मेरे पास एक और ऑप्शन है जो कि मेरा फेवरेट है जो कि है खोआ. एंड खोआ खाना मुझे बहुत पसंद है. घर पे रहने का फायदा, इतना यम्मी सा खोआ मुझे मिल गया है तो मैं के से खाने वाली हूँ खोआ. बहुत टेस्टी है. मैंने छोटा सा एक नैप ले लिया था बिकॉज मेरा पेट फुल हो गया था एंड बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, हाफ एन आवर का, उससे ज़्यादा नहीं था. एंड फिर से मैं आ गई हूँ. सो एल लेटर कंप्लीट करना है. सो एल लेटर से मेरे पास है क्या, लेज. तो अब हम पहुँच चुके हैं एम लेटर पे. सो एम से मेरे पास है मैगी. सो मैगी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है बिकॉज मुझे खानी है. सो इस हुलिये का जिम्मेदार मैगी ही है. बीच में जो मैंने ब्रेक लिया था उसमें मैं मैगी ही बना रही थी एंड थोड़ा सा लाइक रेस्ट कर लिया था. सो मैगी मेरा है यहाँ. एंड राइट नाउ 10 बज रहे हैं और आप जो ये देख रहे हो मेरे शक्ल का हाल, वो लाइट नहीं थी इसकी वजह से, बिकॉज मैं रेडी हुई थी वीडियो फिल्म करने के लिए. मुझे भूख भी लगी हुई है बहुत ज़ोर से, बट मैं बता रही हूँ आपको फिर लाइट ही नहीं थी तो मैं वीडियो कैसे बनाती. एंड इन्वर्टर जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है एंड लॉकडाउन की वजह से ना नया ले सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं. सो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ. एंड लास्ट जो लेटर था वो था मैगी जो एम से थी. एंड अब मैं खाने वाली हूँ एन से. सो एन से मेरे पास है ये नमकीन जो कि मेरे घर में इजीली मिल गई है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. सो उससे मैं खाने वाली हूँ ओरियो. एंड ये मुझे बहुत पसंद है और छोटा वाला पैक ही मिला था सो यही लेके आए थे पापा. और अभी मैं इसको जल्दी से खाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है. पीस है मेरे पास पिकल. लेटर क्यू से मैं खाने वाली हूँ क्या. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एंड मैंने बहुत मुश्किल से कुछ ढूंढा है. मेरे पास है ये एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है. तो ये है क्विजो डिप एंड ये लाइक मेरा जैसा वीडियो में था वैसा नहीं हुआ है. मैंने सर्च किया था गूगल पे तो वहाँ पे शो हो रहा था क्विजो करके कुछ. तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे लाइक फुल रेसिपी आई एंड मैंने ट्राई किया. मैंने बनाया है ये एंड इसको चिप्स के साथ खाते हैं बट चिप्स सीसे हो जाता तो उसको मैं खा नहीं सकती थी. सो सिर्फ मैं इसी को ट्राई करूँगी. खाने में अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो. मैं इसकी लाइक जो रेसिपी देखी थी मैंने वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो आप चेक कर सकते हो. एंड अब बारी है आर लेटर की. सो आर से मेरे पास ये रिंग्स. मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है दैट्स व्हाई मैं एक खा रही हूँ. सो अब हम पहुंच चुके हैं एस लेटर पे एंड एस से है मेरे पास शुगर. पता है इस चैलेंज के चक्कर में लाइक इतनी सारी अतरंगी चीज़ें जो होती है वो करनी पड़ रही है. मैं आपको बता नहीं सकती लाइक चीनी खाना, कुछ भी अजीब सा चीज़ मुझे मिल रहा है खाने के लिए एंड मज़ा भी आता है इसको करने में. समटाइम्स के लिए ये सज़ा भी लगती है. सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं टी लेटर पे एंड टी से लाइक मैं टी पी सकती हूँ बट मुझे टी इतना अच्छा नहीं लगता. दैट्स व्हाई मैंने चूज़ किया ये टोमेटो एंड इसी को मैं खाने वाली हूँ. आप देख सकते हो कितना लाल लाल है ये. वंस अगेन गुड मॉर्निंग बिकॉज कल सुबह से ये वीडियो आज सुबह तक फिल्म कर रही हूँ मैं. सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं 8 बजे उठ गई थी बिकॉज मुझे इस चैलेंज को ख़त्म करना है. सो
मोस्ट डिफिकल्ट लेटर्स जो है वो बचे हुए हैं अभी भी। 20 लेटर्स मैंने कल कंप्लीट किए थे, 6 लेटर मैं आज कंप्लीट करूँगी 11 बजे से पहले। तो चलिए देखते हैं कि मैं बाकी 6 लेटर्स से क्या क्या खाती हूँ। सो गाइस, यू लेटर से मैंने बहुत कुछ ढूंढा बट मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे उड़द जो कि ईजिली मिल जाती है। एंड मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली है इसकी और इसको रोस्ट किया है। मैं दिखा रही हूँ, मैं 2 दाने खा रही हूँ। भी लेटर की, सो भी से है मेरे पास ये वैक्स और ये जिंजर फ्लेवर में है। सो इसको खाने के बाद थोड़ा सा मुंह का जो टेस्ट है वो बेटर हो जाएगा। अब बारी है लेटर डब्ल्यू की। सो डब्ल्यू से मेरे पास ये वाई मामा भुजिया एंड ये यहीं के किसी लोकल स्टोर से मेरी कजन सिस्टर लेके आई है। तो या सो गाइस, डब्ल्यू के बाद बारी है लेटर एक्स की एंड एक्स से मैं खाने वाली हूँ ये वाटर मेलन। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने प्रेरणा दी की वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि इसको शीकवा बोलते हैं एंड देन मैंने गूगल पे चेक किया। सो आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, शीकवा ही बोलते हैं, स्पेलिंग मैं यहाँ पे दे दूंगी। ये एक्स से स्टार्ट होती है, सो दैट्स वाई मैं खा रही हूँ एक्स से ये वाटरमेलन जो कि है शीकवा। अब वाई लेटर की बारी है। सो वाई से मेरे पास है योगर्ट, बट मेरे को योगर्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने यहाँ पे पानी ले रखा है बिकॉज मैं इसमें सिर्फ लाइक थोड़ा सा टेस्ट करूंगी एंड देन मैं पानी पी लूंगी इसका। सो गाइस, जेड लेटर की बारी है एंड जेड से मेरे पास है ये जीरा जो कि लोकल स्टोर से मिली है यहीं से, ये कैंडी है। और मेरे को लाइक लगा था कि मैं लास्ट लेटर छोड़ूंगी बट कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो गया, मिल गया। सो थैंक गॉड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस चैलेंज के लास्ट लेटर को छोड़ना नहीं पड़ रहा। सो ये कुछ इस टाइप की है और ट्रांसपेरेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आप सभी को मजा आया होगा, जो यहाँ तक देख रहे हैं उनको जरूर मजा आया होगा। So see you in my next video. Till then, bye bye, take care, thank you so much for watching.